हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए बात कर लेते हैं इंडिया बांग्लादेश रिलेशन के बारे में। इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के बाद से ही काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं। इससे पहले बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, जिसने शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में वेस्ट पाकिस्तान से अलग होने के लिए आंदोलन किया, जिसमें भारत ने बांग्लादेश की पूरी रूप से मदद की। ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में रिकॉग्नाइज करने वाला भी भारत पहला देश था। ये रिलेशन 6 दिसंबर 1971 को स्थापित हुए। लास्ट ईयर जब 2021 में बांग्लादेश अपनी आज़ादी के 50वें वर्ष को सेलिब्रेट कर रहा था, तब पीएम मोदी ने बांग्लादेश का दौरा किया और वहाँ ये डिक्लेयर किया कि हर वर्ष 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अभी हाल ही के कॉन्टेक्स्ट के बारे में देख लेते हैं। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना भारत के दौरे पर आई हुई थी, जिन्होंने भारत के प्राइम मिनिस्टर के साथ वार्ता की। इसमें कुछ की हाइलाइट्स रहीं, जिसमें दोनों देशों के बीच में 7 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए, जिसमें फर्स्ट था जो क्रॉस बॉर्डर कुसियारा रिवर है उसके बाटर के विड्रॉल से संबंधित। यह एग्रीमेंट बेनिफिट करेगा सदर्न आसाम एंड सिलहट रीजन ऑफ बांग्लादेश को। इसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी में भी कॉपरेशन हुआ। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, जो कि रेलवे में फ्रीट से संबंधित होता है, उसके बीच में भी कोलेब्रेशन हुआ। साथ ही साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन भी दोनों देशों के बीच में हुआ। बांग्लादेश रेलवे पर्सनल एंड बांग्लादेश जुडिशियल ऑफिसर भारत में आके ट्रेनिंग करेंगे। दोनों की जो ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है, प्रसार भारती एंड बांग्लादेश टेलीविजन के बीच में भी कॉपरेशन हुआ। इसके साथ ही एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को अनवील किया, जो कि खुलना डिवीज़न ऑफ बांग्लादेश में है। ये बनाया गया है भारत की कंसेशनल फंडिंग से और अगस्त 2022 में इसको सिंक्रोनाइज कर दिया गया था बांग्लादेश के पावर ग्रिड से, जो कि जनरेट करता है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो जनरेट करेगा 1320 मेगावाट पावर। इसके बाद रस्पा रेल ब्रिज को भी इन्होंने इनॉग्रेट किया। ये 5.13 किलोमीटर का है, जो कि पार्ट है 64.7 खुलना मोगला पोर्ट ब्रॉडगेज रेलवे प्रोजेक्ट का। ये जो ब्रिज बनाया जा रहा है, भारत की लाइन ऑफ क्रेडिट $389 मिलियन से बनाया जा रहा है। साथ ही साथ ये कनेक्टिविटी इंक्रीज करेगा मोगला से, जो कि बांग्लादेश का सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट है। लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में देख लेते हैं। ये एक कंट्री के द्वारा दूसरी कंट्री को कंसेशनल रेट पर दिया जाता है, जिसमें लाइन ऑफ क्रेडिट प्राप्त करने वाली कंट्री को कुछ गुड लाइन ऑफ क्रेडिट देने वाली कंट्री से कंपल्सरली रूप से खरीदना पड़ती है। इसके बाद जो कंसेशनल लोन भी प्रोवाइड कराया गया भारत के द्वारा $9.5 बिलियन, जिसमें इंक्लूड था जो रेल कनेक्टिविटी किसके बीच में, खुलना एंड ढाका के बीच में, चिल्हाटी एवं रास्ता के बीच में। साथ ही साथ मोगला पोर्ट को धरसाना गेड़े से जोड़ने के लिए भी इसमें $312 मिलियन दिए गए। इसके अलावा रोड कंस्ट्रक्शन और जो से संबंधित इक्विपमेंट एंड मशीनरी प्रोवाइड कराई जाएगी बांग्लादेश के रोड नेटवर्क के लिए। इसमें जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट से संबंधित, 2018 में इंडिया ने बांग्लादेश की डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट को एक्सटेंड किया था $500 मिलियन के। साथ ही जो कोलकाता की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वह असिस्टेंस प्रोवाइड करा रही है किसके लिए, डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बारशिप के लिए। ढाका ने एक बिस लिस्ट भी दी है मिलिट्री प्लेटफॉर्म पर, जो प्रोक्योर करने हैं इंडिया से। साथ ही साथ अप्रूव किया है बांग्लादेश आर्मी ने 5 ब्रिड लेयर टैंक्स को, 7 पोर्टेबल स्टील ब्रिजेस को एंड 1 माइन प्रोटेक्टिव व्हीकल्स को। इसके अलावा इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के साथ सेपा के लिए नेगोशिएशन जल्द ही शुरू होने के लिए इन्होंने कहा। सेपा कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, जो कि फोकस करेगा जो दोनों देशों के बीच में ट्रेड गैप्स हैं उनको कम करने के लिए। अगर ट्रेड गैप्स के बारे में देखें तो इंडिया ने बांग्लादेश से इंपोर्ट किया था $1.76 बिलियन का इन 2021, जबकि बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया था $40.09 बिलियन का। इससे इनके बीच में जो ट्रेड गैप था वो था $12.33 बिलियन। इसके अलावा अभी बांग्लादेश एक लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है
और 2024 तक वह एक डेवलपिंग नेशन के रूप में स्थापित हो जाएगी। तो उससे पहले ही दोनों देशों की कोशिश रहेगी कि कॉम्प्रेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर लिया जाए, क्योंकि जो कंसेशनल बेनिफिट्स जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री को मिलते हैं वे एक डेवलपिंग नेशन को नहीं मिलते, तो जिससे आगे वह ट्रेड गैप और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। ये कई सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। PTA मीन्स प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें दो या दो से अधिक देश एक प्रोडक्ट के लिए प्रेफरेंस तैयार करते हैं और इसमें एक पॉजिटिव लिस्ट तैयार की जाती है जिसमें वे एक दूसरे को प्रेफरेंस देते हैं। दूसरा होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें कंट्रीज़ आपस में कुछ गुड्स के लिए टैरिफ समाप्त करने के लिए एक दूसरे से सहमत होती हैं। साथ ही साथ इसमें एक नेगेटिव लिस्ट बनाई जाती है जिन पर टैरिफ में जो कंसेशन है वह लागू नहीं होता। इसके बाद एक ये कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट एंड कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होते हैं। इसमें एक कॉम्प्रेहेंसिव पैकेज तैयार किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। इसमें कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड जो पार्टनरशिप है, तो कॉपरेशन डिनोट करता है लूज कनेक्शन बिटवीन टू कंट्रीज, जबकि पार्टनरशिप दोनों देशों के बीच में इंटेंस रिलेशन को बताता है। इसके बाद ये कस्टम यूनियन होता है, इसके अंतर्गत ये दोनों देश एग्री हो सकते हैं जीरो ड्यूटी के लिए। साथ ही साथ एक कॉमन मार्केट होता है जिसमें फ्री ट्रेड के साथ साथ फ्री लेबर एंड कैपिटल मूवमेंट भी इसमें होता है। साथ ही साथ जो कस्टम यूनियन इकोनॉमिक जो मार्केट होता है, इसके अंतर्गत देशों के बीच में जो फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी होती है उनके बीच में हार्मोनाइजेशन आ जाता है। साथ ही साथ वह शेयर करते हैं एक दूसरे में एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस को। ये था ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं इंडिया एंड बांग्लादेश के ट्रेड रिलेशन के बारे में। बांग्लादेश इंडिया का एक लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर के रूप में उभर कर सामने आया है। ये भारत का फोर्थ लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है। फर्स्ट पे USA आता है, सेकंड पे चाइना आता है, देन आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एंड जो एक्सपोर्ट होता है बांग्लादेश में वो 66% ग्रो हुआ है 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में। साथ ही साथ इवन द COVID-19 रिलेटेड डिस्ट्रप्शन के बाद भी ट्रेड ग्रो हुआ है दोनों देशों के बीच में। साथ ही साथ इंडिया एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश को रॉ कॉटन, नॉन रिटेल प्योर कॉटन यार्न एंड इलेक्ट्रिसिटी। साथ ही साथ इंपोर्ट करता है प्योर वेजिटेबल ऑयल, नॉन निट मेन सूट्स एंड टेक्सटाइल स्क्रैप्स। दोनों देशों के बीच में कुछ चैलेंजेस हैं रिलेशन में। तीस्ता एंड बराक रिवर से संबंधित जो वाटर डिस्प्यूट है वो अभी तक दोनों देशों के बीच में सॉल्व नहीं हो पाया है। साथ ही साथ जो चाइना का इंटरफेरेंस है FDI के रूप में वह एक विवाद का विषय बना हुआ है। साथ ही साथ जो इल्लीगल जो बांग्लादेशीज हैं रोहिंगा, वह भारत की इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए एक खतरा प्रस्तुत करते हैं। साथ ही साथ दोनों का जो बॉर्डर है वह एक पोरस बॉर्डर है, मतलब नेचुरल बाउंड्रीज हैं, वहाँ पर माउंटेंस भी हैं, देन वहाँ पर रिवर्स भी हैं, तो एक वहाँ से इलीगल एक्टिविटी आसानी से होती रहती हैं। इसके अलावा जो राइजिंग बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, वहाँ पर जो हमारे माइनॉरिटीज रहते हैं बांग्लादेश में, उनके खिलाफ काफ़ी वॉयलेंस के केस आए थे। और वहाँ पर एक रेडिकल ग्रुप है हरकत अल जिहाद अल इस्लामी, जो कि बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन को बढ़ाने का काम कर रहा है। इसके अलावा जो बांग्लादेश का भारत के लिए क्या सिग्निफिकेंस है उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के बारे में। जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस में नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा से संबंधित, ये बांग्लादेश ये इंश्योर करता है कि उसकी जो लैंड का उपयोग भारत विरोधी गतिविधियों के लिए ना हो। साथ ही साथ जो साउथ एशिया के लिए एक ब्रिज का काम करता है, जो कि हमारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी का बांग्लादेश एक नेचुरल पिलर है। जो कम्युनिकेशन है सी लाइन, उसको उसकी सुरक्षा में भारत की मदद करता है। जो हिंद महासागर में पायरेसी रोकने के लिए भी बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आतंकवाद और रेडिकलाइजेशन के खिलाफ भारत की मदद करता है। इसके अलावा चाइना को बैलेंस करने के लिए भी भारत का सहयोग बांग्लादेश करता है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस में
चार बॉर्डर हार्ट हैं जो कि दो त्रिपुरा में हैं, दो मेघालय में हैं, जो कि बॉर्डर एरिया में रहने वाली कम्युनिटी में के लिए काफ़ी सहायक होती हैं। इसके अलावा थर्ड जो सिग्निफिकेंस है वो कनेक्टिविटी टू नॉर्थ ईस्ट। भारत की जो नॉर्थ ईस्ट के साथ जो कनेक्टिविटी है वह इस चिकन नेक गलियारे के थ्रू है, जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। यह एक काफ़ी नैरो गलियारा है, जिसके अंतर्गत माल के जो गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफ़ी समस्या आती है, जिसमें बांग्लादेश हमारी इसमें सहायता करता है कनेक्टिविटी बढ़ाने में। भारत ने बांग्लादेश के साथ प्रोटोकॉल PIWTT मीन्स प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड बार्टर ट्रांजिट एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें भारत बांग्लादेश की इंटर एंड इंट्रा बॉर्डर कनेक्टिविटी के लिए बार्टर वे बनाने में उसकी मदद कर रहा है। इसके अलावा ट्रेन कनेक्टिविटी भी भारत और बांग्लादेश के बीच में है, जिसमें एक है ढाका से कोलकाता, सेकंड है कोलकाता से खुलना, और थर्ड जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है अगरतला से अखूरा। साथ ही नॉर्थ ईस्ट में गुड्स की आवाजाही के लिए मोंगला पोर्ट का भी इसमें यूज किया जाता है। अब देख लेते हैं भारत और बांग्लादेश के रिलेशन में क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं। क्रॉस बॉर्डर इमिग्रेशन के लिए एक ग्रास रूट लेवल पर डिजिटाइजेशन किया जाए, साथ ही साथ जो एक जॉइंट रिवर कमीशन की रेगुलर मीटिंग्स हो, जिससे कि बार्टर डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सके, साथ ही साथ दोनों देशों के बीच में पीपल टू पीपल इंटरेक्शन बढ़ाया जाए। मैत्री जैसे जो सफल थर्मल पावर प्रोजेक्ट बनाए गए हैं उसी तरीके प्रोजेक्ट को और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए, साथ ही साथ जो भारत के जो नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी के लिए जो चट्टोग्राम और मोंगला जो पोर्ट है उसकी ट्रांसशिपमेंट्स ऑफ गुड्स के लिए ऑप्शनलाइज एग्रीमेंट किए जाए। यह था हमारा सेशन इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेशन पर। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।